यहाँ पर तुम क्या करते हो? काली माई का आशीर्वाद अगर हम पे रहा। देखिए यहाँ कपल लोगों का भी थोड़ा सा स्वतंत्र है, कपल लोग भी आके यहाँ पे घूम सकते हैं, जो चाहे जो कर सकते हैं। चढ़ रहे थे तो यहाँ पर भैया लोग से मिल गए, धूमधाम से आ रहे हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि यहाँ का एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पर लोग घूमने तो उनको लोग कैसा लगा। तो सबसे पहले आपका अपना नाम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल सिंह है। अनिल सिंह, तो आप यहाँ पर अभी क्या क्या देखे? अभी पे यहाँ पे बहुत सारे अच्छी जगह है लोकेशन घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस है। हाँ, और ये बिहार शरीफ का बहुत मशहूर प्लेस है, ये हमारे लिए गौरव का प्लेस है। पहली बात है, हाँ तो बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे जो भी दृश्य से हमने देखा और अच्छे से जाना उनको। तो आप मंदिर भी गए थे, उधर मस्जिद भी गए थे? जी जी, दोनों गए हैं, मंदिर मस्जिद दोनों गए हैं। अच्छा, आप ऐसे रहने वाले कहाँ पे हैं? रहने वाले हैं सर मोदी नगर जिला, हुआ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आपका जिला दूसरा है लेकिन आप यहाँ पर अच्छे यहाँ पे घूमने के लिए आए? तो कब से आ रहे हैं, कितना बार आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे दूसरी बार आए हैं। समस्तीपुर और यहाँ का कुछ मतलब अंतर आपको समझ में आया हुआ? यहाँ का बहुत अंतर, यहाँ पे जो व्यवस्था साफ सफाई का है या घूमने का, अच्छा अच्छा टूरिस्ट है जो भी है, बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ, यहाँ पर तो कुछ काम अभी हो रहा है, लगभग काम हो चुका है? हो चुका है, लगभग काम हो चुका है, पार्क वगैरह में काम हो चुका है। अभी कोविड 19 को लेकर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लोग अच्छे से घूम रहे हैं, बट फिर भी आज देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर मुलाकात होगी तो फिर बात होगी आपसे। तुम्हारा नाम क्या बाबू? यहाँ पर कुछ क्या करते हो? और इसके अलावा कुछ करते हो? अच्छा, और पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई भी करते हो? तो देखिए बच्चा जो है ये पढ़ाई लिखाई के अलावा जो है अपना कुछ काम भी एक्स्ट्रा करता है। पीछे घर है, पहाड़ के मतलब नीचे घर है, तो यहाँ पर क्या करते रहता तुम लोग? देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं यहाँ पर अक्सर खेलने के लिए आते हैं पहाड़ी पर, तो काफी अच्छा जगह है बिहार शरीफ का, तो आप लोग भी आ सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं। और बच्चे लोग का जो है उत्साह देखकर हम भी सोचे कि इन लोग से कुछ बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं सब यहीं पर का, पीछे नीचे घर है, तो यहाँ पर हमेशा ये लोग खेलने के लिए आता है। और चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं नज़ारा पूरा बिहार का। हम लोग जो है अब थक चुके हैं, थोड़ा सा चलते रहते, काफ़ी ऊंचाई है थोड़ा सा पहाड़ का, उतना ऊंचा नहीं है फिर भी हम लोग बराबर चलते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा ऊपर चल चुके हैं। मंदिर के सामने आप देख पा रहे हैं हुआ।
दर्शन करने वाले हैं। अच्छा ये जो है दुर्गा जी का मंदिर है जो कि अभी बन रहा है, ये काफी विशाल बनेगा। दुर्गा जी के मंदिर के बारे में आप भी बताइए। दुर्गा माई का मंदिर बन रहा है। कब तक बन जाएगा? देखिए जनता जैसे पैसा देगा जैसे नहीं बनेगा। नक्शा बना है बहुत का, इसका विशाल। अच्छा इसमें नौवा बहन रहेंगे, बीच में ये रहेंगे, ऐसा बनेगा ना, नक्शा जैसा बना है उस तरह से है। आपका बिहार का बड़का नाच रहे। अच्छा ये हमारे लिए और एक गौरव की बात रहेगी। तो ये जो मंदिर बनेगा ये सरकार की तरफ से बनेगा या आम पब्लिक की? पब्लिक ही बना लिया। पब्लिक की तरफ से ही बनेगा, जैसे पब्लिक पुल बनाए हैं उसी तरह से। अच्छा इस तरह से ही। नहीं नहीं तो ये सरकार कैसे कुछ दे दे मदद कर देगा तो अच्छा है। सरकार की तरफ से तो पार्क वगैरह बना है तो इसलिए बोल रहे थे। तो और कुछ इसके बारे में आप कुछ बारे में कहे? मंदिर खाली बनना है, जनता लोग बना। कब तक ये बनेगा? लगभग लगेगा 3-4 साल। लग जाएगा 3-4 साल लग जाएगा, काफ़ी वक्त लगेगा। तो आप लोग 2-3 साल और वेट कीजिए तो आप यहाँ पर एक भव्य मंदिर आप देख सकते हैं, देख पाएंगे आने वाले समय में। आपका क्या नाम है? मेरा शिवक कुमार। आपका क्या नाम है? मेरा बिट्टू कुमार है। आपका? अनंत कुमार। तो यहाँ पर बराबर आते हैं? जी हाँ, या बहुत दिन के बाद आए? कभी कोई ओकेजन होता है तो आते हैं, जैसे पेंटिंग से स्वतंत्र दिवस या फिर कोई पर्व होता है तो उसमें आते हैं। भीड़ वहाँ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जेन्यून नहीं आते हैं? जेन्यून नहीं आते। अच्छा तो आप बिहार शरीफ से ही है ना? हाँ बिहार शरीफ से ही है। हम तो बोले कि आपको बिहार शरीफ से हैं, दिख जाता है भाई। अब जो लोग बिहार शरीफ के हैं, नालंदा जिला के हैं, बिहार के हैं, उनका चेहरा से ही दिख जाता है कि वो बिहार के हैं। समझ गए? तो दिख जाता है बिहारी लोग पहले से ही पहचान लेते हैं ना। मेरा काम ही है पहचानना, घूमना और लोगों को दिखाना, तो हम पहचान जाते हैं। इसलिए इन लोग को ही पहचान गए थे कि बिहार शरीफ से ही है। पर क्यों आए हैं आप बताइए? बताइए आए हैं आप, क्या कर रहे हैं? बताया जाता है कोई कारण? बताया जाता है कि यहाँ बहुत पहले तुगलक का शासन हुआ करता था। देखिए ये हमारे साथ लगता काफी जानकार व्यक्ति हैं, इनसे भी कुछ विशेष चर्चा करते हैं। यहाँ पे मतलब बताया जाता है कि तुगलक का यहाँ राजा थे। हाँ। वही जो मतलब ये जो बनाए हैं उन्हीं का बना हुआ है, पहले का यह मतलब चला हुआ है। कैसे, मंदिर या मस्जिद या फिर ये पर्वत? मस्जिद है, पर्वत तो बनाया नहीं जाता किसी राजा का द्वारा। हाँ। वो तो नेचुरल है। हाँ। लेकिन कोई मंदिर मस्जिद राजा ही बनाता है। हाँ। किसी को देखने के लिए आते हैं। अच्छा। आप लोग यहाँ पर आके मंदिर देखे, मस्जिद देखे, इसके अलावा भी आप कुछ देखे? देखिए यहाँ कपल लोगों का भी थोड़ा सा स्वतंत्र है, कपल लोग भी आके यहाँ पे घूम सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रोक ठोक नहीं है। अच्छा। मस्ती भी करते हैं एक दूसरे को देखकर, एंजॉय भी करते हैं क्योंकि लाइफ में तो सिंगल ही, अभी तो देख के ही है।
आप भी कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शक को, हमारे बिहार वासियों को? मतलब दर्शक तो हमारे बिहार वासी हैं। सब स्कूल बंद है, अपने में मजा है सर। नहीं नहीं टेंशन मत, ये इतना उदास मत होइए, जल्द ही खुलेगा। तो आप, हम तो सोचते हैं बंद ही रहे। तो दिक्कत वाली बात है, बंद रहेगा तो कैसे काम चलेगा? अब बहुत लोगों को मिलना होता है, जुलना होता है, तो उन लोगों को मतलब नहीं नहीं मिल लेते हैं यहाँ पर, तो खूब मस्ती है। जो चाहे जो कर सकते हैं आप। जो चाहेंगे वो कर सकते हैं जी, फुल आजादी है। खाली सामने वाला यार, ये कैसा शहर है जिसमें कोई बोलता नहीं है, खोपता नहीं। क्योंकि अब जो है शाम हो चुका है, इस वजह से वीडियो आने में वीडियो अच्छा से नहीं आ पाएगा। इस वजह से जो है सिर्फ मंदिर का ही वीडियो आपको दिखा पाएंगे, और उधर जो है मस्जिद का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे।